मई फोल्ड हो जाता है और हाँ तो इसको जो है तो अपन इसके ऊपर तैयार भी कर सकते हैं सवार के लिए, कफन की जो प्रतिक्रिया होती है उसके हाँ ये इसके ऊपर कर सकते हैं अपन सब। अस्सलाम वालेकुम, ये गीज़र है, ये गीज़र से शावर से गुसल दे सकते हैं। इधर से ये झूला नीचे रख के मैयत को ऊपर ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो नाज़रीन आज हम आए हैं परभनी के कब्रस्तान, खादराबाद कब्रस्तान पर, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ परभनी के कब्रस्तान में जो है यहाँ पर एक जनाजा गाड़ी आई है। हम उसको देखने वाले हैं कि किस तरह से जनाजा गाड़ी जो है काम करती है और किस तरह से उसको उसमें गुसल दिया जाता है, सारी चीज़ें जो है हम आपको हमारे वीडियो में बताएँगे। तो चलिए हमारे वीडियो पर बने रहे। तो नाज़रीन आज हमारे साथ टीवी चैनल के एक हमारे परभनी के सीनियर पत्रकार इस्माइल शेख सर हमारे साथ में मौजूद है, और वो जो है हमें सारी यहाँ की जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो आइए इस्माइल सर, ये इस्माइल सर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल्लुन नफ्सी ज़ायखतुल मौत, के हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ये कुरान और हदीस की जो है तो आयत है। तो मैं ऐसी ही एक जगह पर ठहरा हूँ जो परभनी का कदीम कब्रस्तान, कब्रस्तान खादराबाद जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है तो शेर खामोशिया में जो है तो यहाँ पर आराम फरमा है। और इस कब्रस्तान का हाल आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले हम बचपने से देखते आ रहे हैं, जो तो यहाँ पर हालात ऐसी थी कि ये कब्रस्तान पूरा खंडर के तौर पे जो है तो जाना जाता था। बड़े बड़े झाड़े और झाड़ों में ऐसा था, हालात ऐसी थी कि जब मैयत यहाँ पर लेकर आया जाती थी तो पहले तो लाइट का वगैरह कोई इंतज़ाम नहीं था, तो यहाँ पर बत्तियाँ लेकर लोग आते थे और बहुत ज़्यादा परेशानी की जो है तो यहाँ पर मशक्क़त उठाना पड़ती थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ के कब्रस्तान के जो ज़िम्मेदार है यहाँ पर बहुत सारे लोग कब्रस्तान के, जिसमें यहाँ के कॉरपोरेटर अहमद भाई है, उसके बाद में आरिफ भाई है, अब्दुल रहीम भाई है, और रफ़ीक शाह है, समी भाई है, और हमारे लईक भाई है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है, उसके अलावा जो महल्ले के लोग हैं उन्होंने भी मेहनत की है, और परभनी के पूरे शहर के और जहाँ से भी जो है तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तौर पे इसमें मदद की है, इमदाद की है। और ये जो नज़ारा आप जो देख रहे हैं, ये बैठने के लिए टेबल है, ये जो देख रहे हैं आप बड़े से बड़े गार्डन में जिस तरह से जो है तो टेबल होते हैं, उस तरह से यहाँ पर टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं बैठने के लिए, जो यहाँ पे मैयत करके जो लोग आते हैं उसके बाद में थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। और ऐसा भी कहा गया है हदीस में, कुरान में ये भी आता है कि कब्रस्तान में जाया करो, इसलिए कि वहाँ पर आपको जो है तो अल्लाह से नज़दीकियाँ उसमें जो है तो पैदा होती है, और लोग जो है तो अल्लाह से जुड़ने की जो है तो उसमें जस्तजू लगाते हैं। तो वैसे ही हालत आप देख सकते हैं, ये इतने अच्छे जो है तो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जब कोविड का कोरोना का जब परेड चल रहा था, उस परेड के अंदर मस्जिदों को, धार्मिक स्थलों को जो है तो पूरी तरह से बंद किया गया था, उसके अंदर पाबंदी थी। अगर मस्जिद होती है उसके अंदर 2 से 3 लोगों की जो है तो इजाज़त थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और धार्मिक स्थलों को जो तो बंद किया गया था, उस टाइम पे मैयतों की जो है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसके अंदर गुसल के मसले हो रहे थे, 3 से 4 लोगों को जो है तो जनाजे में आने की जो है तो इजाज़त थी हुकूमत की तरफ से। तो यहाँ पर वज़ू खाना भी जो है तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बनाया गया था, और यहीं पर जो है तो नमाज जनाजा भी जो है तो यहाँ पर पढ़ाई जा रही थी। और तकरीबन जब कोरोना का परेड चल रहा था, उस परेड के अंदर जो तो परभनी सेंटर होने की वजह से बास के जो हमारे जो तहसील है, तालुके हैं, वहाँ के लोग भी जो है तो यहाँ पर रेफ़र किए जा रहे थे, और तकरीबन लोगों का यहाँ पर जो है तो डेड भी हो रही थी। तो उन लोगों को जो है तो नमाज जनाजा भी यहाँ पर ही पढ़ाई जा रही थी। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर जो तो कमेटी ने इंतज़ाम किया है, ये वज़ू खाने यहाँ पर बनाए गए थे। जब लोग जब मैयत लेकर आते हैं तो मैयत को जो वज़ू करना पड़ता है, तो ये वज़ू खाने बनाए गए थे। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर कूलर जो तो ठंडा पानी यहाँ पर जो है तो मुहैया कराया गया है, उसके अलावा ये पानी का टाँकी यहाँ पर बनाया गया है। और तकरीबन जो है तो कुरान की आयतें यहाँ पर बताई गई है कि कब्रस्तान में आने की फजीलत, और कब्रस्तान में आने के बाद में जो यहाँ पे जो हमारे मरहूमीन दफन होते हैं उन लोगों को किस तरह से हिसाले सवाब किया जाए, वो सारे हदीसें यहाँ पर लगाई गई है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर
यहाँ पर नहीं बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने अभी तक कहीं भी इस तरह से ये गाड़ी नहीं देखी है, जो गाड़ी जनाजे के लिए बहुत सारे लोगों के जो है तो गली कुचे में घर होते हैं, छोटे घर होते हैं, गुसल देने के लिए भी उनको जो है तो जगह नहीं होती है, तो ऐसी गाड़ी यहाँ पर तैयार की गई है जिसके अंदर गुसल भी दिया जाता है। अगर किसी को छोटा घर है, घर के अंदर गुसल देने के लिए जगह नहीं है, तो इस गाड़ी को वहाँ पर खड़ा किया जाता है और उसमें जो है तो गुसल दिया जाता है। और इसी गाड़ी में अगर किसी का घर कब्रिस्तान से दूर है 2-5 किलोमीटर, जैसा कि परभनी के अंदर बहुत सारे एरिए हैं, जमजम कॉलोनी है, धार रोड, ऐसे दूर दूर के एरिए जो है, तो उन एरिए से मैयत लाने के लिए बहुत सारे लोग जो है तो बड़े ट्रक का जो है तो इस्तेमाल किया करते थे, उस ट्रक के अंदर मैयत लाया करते थे। मगर यहाँ की जो कमेटी को जो काम है एकदम सराहना काम है, जो है तो उन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से जो है तो गाड़ी यहाँ पर तैयार की है, और इस गाड़ी को जिसके अंदर गुसल भी दिया जाता है और उसके साथ साथ जनाजा उसके अंदर ही लाया जाता है। तो हमारे साथ में जो कमेटी के लोग हैं वो तफसील से पूरी बात यहाँ पर बताएंगे उसको, कि जो गाड़ी के अंदर किस तरह से गुसल का सिस्टम है, वो सारे चीज़ें जो है तो कमेटी के जिम्मेदार हमारे साथ में है, वो तफसील से पूरी बात यहाँ पर जो है तो हमें बताएगी। चलो हम देखो, तो आप ये देख सकते हैं कब्रिस्तान खादराबाद परभनी। तो हमारे साथ में यहाँ पर कब्रिस्तान के जो कमेटी के ज़िम्मेदार है आरिफ भाई हमारे साथ में हैं, ये तफसील से पूरी बात जो है तो यहाँ पर बताएंगे किस तरह से गुसल दिया जाता है, किस तरह से मैयत लाई जाती है। हमें बहुत वक्त देखा है कि गुसल देने के लिए बहुत परेशानी होती है, और 10x20 के घर आए, 15x20 के घर आए, और हाँ सलम एरिया है, और उसमें कैसा है गुसल देने के लिए बहुत दिक्कत होती है, और बारिश में तो इतनी गुसल होती है, गुसल देने को परेशानी होती है कि गुसल को जो है तो 2-3 घंटे रोकना पड़ता है। जब तक पानी नहीं खुलता जब तक गुसल नहीं दे सकते। वो हिसाब से जो है तो अपन आप पानी भी आया तो अपन गाड़ी के अंदर गुसल दे सकते हैं, कुछ नहीं आ सकता अंदर, कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं, कितना भी पानी आया तो अपन अंदर गुसल दे सकते हो। अच्छा, इस गाड़ी का मतलब कैसा है, इसमें चार्जेस वगैरह कुछ होते हैं क्या गाड़ी के? हाँ, ये इसके अंदर जो है तो अपन 1000 रुपये जो है तो इसके चार्जेस रखे ले, मेंटेनेंस चार्जेस बोल के, जिसमें ड्राइवर डीजल पूरा मेंटेनेंस आ गया। अच्छा, यानी कि कुछ एरिया परभनी से दूर है आने के लिए कम से नहीं नहीं सब तेल लगता है? हाँ, तो कंपलसरी कितने भी दूर जाओ कुछ मसला नहीं है, उसमें ड्राइवर की पेमेंट भी है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, डीजल स्थानों के लिए। हाँ, और परभनी के जितने भी कब्रिस्तान है अच्छा। तो सभी के लिए जो है तो इसका जो है तो यूज कर सकते गाड़ी, परभनी में और कब्रिस्तान। हाँ, खुन में कब्रिस्तान, हाँ अकुंचा हो गया, हाँ। शावर है, शावर से जुड़ सकते हैं। बताओ बताओ, चलो। अस्सलाम वालेकुम, ये गीज़र है, ये गीज़र से शावर से गुसल दे सकते हैं। अच्छा। इधर से ये झूला नीचे रख के मैयत को ऊपर ला के गुसल दे सकते हैं इससे, और मैयत को तैयार करके समझो यहाँ से वो टेबल को ऊपर लेके जनाजा पूरा तैयार करके कफन वो सब पहना के पूरा साइड में लेते, और ये डोला अंदर ला के फिर उसको डोले के अंदर रखते हैं। जब सवार देते तो इस पर ही रख के लेकर आया जाता है? हाँ, ये सवारने के लिए ना नीचे ले लेते, जब अच्छा। तक नीचे लेने के बाद सवार दिए समझो, सवारने के बाद बाजू में टेबल पर रख देते। अच्छा। बाद में तैयार हो गई समझो मैयत, तो उसको फिर ये डोले को अंदर ले लेते। अच्छा। अंदर लेने के बाद फिर इसमें डाल के हाँ ये कर लेते, ऐसा है। और ये गीजर है, और बाजू से लाइट लेने की 100 फीट का वायर है हमारा, यानी कि जहाँ पर आप जाते हैं, जहाँ पर गाड़ी आपकी बुलाई जाती है मैयत के लिए, तो वहाँ पर करंट में उसको लगाया जाता है। हाँ, करंट में लगाया जाता है, जहाँ भी समझो हमारी गाड़ी चले गई किसके घर पे समझो। अच्छा। जगह नहीं रहती, हमारी गाड़ी पहुँच जाती है वहाँ पर, पहुँचने के बाद किसकी बहुत परेशानियाँ रहते, उसके वजह से गुसल के लिए हमने क्या करे अलाए 100 फीट वायर भी रखे अलाए, गर्म पानी के लिए 100 फीट आजू बाजू से लाइन लेते, जितना काम हुआ समझो फिर उसका वायर लपट के हम रख देते, गुसल हो गया समझो। अच्छा। तो तैयार होने के बाद हम हमारा वायर लपट के रख देते साथ में। अरे भाई, ये जिस तरह से आपने गाड़ी बनाई है मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र या पूरे इंडिया में मैंने नहीं देखा हूँ अभी तक कि ये गाड़ी ऐसी जो है तो बनाई है, तो इसका सिस्टम किस तरह से आप यहाँ पे गुसल देते हैं और क्या है?
और ये जो जो गुसल देने का जो तरीक़ा है तो ये इसका दर देते कि यहाँ पर जो है तो ये उठा दिया जनाजा तो गुसल देने का नीचे मतलब हाँ तख्ता में टेबल बन गया था है, इसको हटा के रख दिए तो इसके ऊपर गुसल दे सकते हैं। अच्छा। यहाँ पर आपने जो है तो अंदर पानी का गीज़र का भी इंतज़ाम कराया है, हाँ गर्म पानी के लिए, और गीज़र का भी इंतज़ाम कराया है, और वो जो है तो वायर है 100 फीट वायर है, किसी के भी घर में 5 मिनट जो है तो वायर लगा दिए तो पानी हाँ लाइट के लिए तो गर्म हो जाता पानी। अच्छा। और वहाँ पर जो है तो अपन गीज़र से शावर से जो है तो उसको गुसल दे सकते हैं। अच्छा। मैयत को अच्छी तरीके से दे सकते हैं। और ये जो है तख्त, अच्छा तो इसके ऊपर जो है तो अपन फोल्ड हो जाता है और हाँ तो इसको जो है तो अपन इसके ऊपर तैयार भी कर सकते हैं। अच्छा, सवार के लिए कफन की जो प्रतिक्रिया होती है उसके हाँ ये इसके ऊपर कर सकते हैं अपन। अच्छा। सब इसको तैयार करके अच्छा। इसके ऊपर से फिर डोलारा अंदर ऐसा लेके मैयत को ऐसा उठा के इसके अंदर रख के बता सकते हैं भाई। अच्छा यानी ये जो गुसल दिया जाता है जो मस्जिद में से टेबल लाते हैं उस तरीका का ये टेबल है यानी सेम वो छे। अच्छा वो छे खाली उसको जो है तो गाड़ी में फिट करेगा। इंडिया में गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर ज़िम्मेदारान का जो है तो नंबर भी दिया गया है, जैसा कि आप ये कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं। शेख आरिफ भाई है, रफीक शाह है, सैयद लईक है, शेख रहीम भाई है, ये नंबर नोट कर लीजिए। आप ये नंबर रखिए, आपके गली मोहल्ले में अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप ये नंबर उन्हें दे सकते हैं। और इसके अंदर जो है तो पर्दे का भी बहुत अच्छा अहतमाम किया गया है। ये जो आप ये जो कांच देख रहे हैं आप, ये पूरे ब्लैक है ना, ही इसके बाहर से कुछ अंदर का दिखता है ना अंदर से कुछ बाहर का दिखता है। अगर कोई लेडीज़ का भी जो है तो इंतकाल होता है, उन्हें भी अगर गुसल वहाँ पर दिया जा रहा है तो इसके अंदर पर्दे का बहुत अच्छा जो है तो इंतज़ाम किया गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ में और एक ज़िम्मेदार है, रफीक शाह, इनकी भी उसके अंदर बहुत मेहनत है, इनसे बात करते हैं। पॉज कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खादराबाद कब्रिस्तान कमेटी जो है हमारी, जिसमें हमारे सदर साहब जनाब अहमद साहब नगर सेवक और हमारे ज़िम्मेदार जो है आरिफ भाई, अब्दुल रहीम साहब, लईक भाई, समीर खान साहब, अलीम लाला, मोहल्ले के जो भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, पिछले 3-4 साल हो गए जो कब्रिस्तान का काम चालू करे हमने, साफ़ सफाई से चालू करे। उसके बाद में हमारे अब्दुल रहीम साहब ने जो है तो लाइट का बंदोबस्त करे उसके अंदर में। उसके बाद में जो है कब्रिस्तान के अंदर बारिश ऐसी होती थी तो पानी की आने की अंदर आने की दिक्कत होती थी, अंदर आने की दिक्कत होती थी, इसलिए जनाब अहमद साहब ने एक फ़ंड लेकर आए जिसमें गट्टू फिट कर गए इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक ने जो हमने जब टाउन के लिए लोगों को कन्वेंस करा, टाउन जमा करे कब्रिस्तान के काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दिल खोल के टाउन किए, जिसमें हर छोटे से बड़े इंसान ने है तो टाउन किया, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये। उस मंत्र इस इरादे से हम लोगों ने एक ये बनाए थे कि जनाजा आउट ऑफ से जब लेकर आते, जैसा कि धार रोड होगा, वांगी रोड होगा, जमजम कॉलोनी हो गई, आसिफ नगर हो गया, इस तरह इतने दूर से लाने के लिए गाड़ी लगती है जनाजे के लिए, तो बारिश में या आम दिनों में भी गाड़ी तो बहुत है लेकिन जनाजे के लिए मिलते नहीं, और मिल भी गए अगर तो वो क्या बोलते कि भाई हम जनाजे की गाड़ी ले जाते नहीं, मैयत के लिए हम गाड़ी को थोड़ा कतराते लोग देने के लिए। तो इसमें हमने एक बैठ के मशवरा करे, हमारे सदर साहब को ये बोले जनाब अहमद साहब को कि भाई हमको है तो एक गाड़ी दिला के दो तुम, तो अहमद साहब ने बोले फिर भाई एक काम करेंगे अपन टाउन करेंगे, टाउन के ज़रिए से अपन गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। तो हमने इसी तरीके से दो साल लगातार हमने जो है तो टाउन किए। हमको पहले साल में कुछ पैसे आए, उसके बाद में बड़ी रात आई, बड़ी रात के अंदर में शबे खद्र के अंदर में कुछ पैसे आए, रमज़ान की ईद में हमको माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे आए, जैसे कि 1 लाख के ऊपर पैसे आए हमारे को। तो टोटल हमारे पास में ऐसे 1 से 1.5 लाख रुपये जमा, 2.5 से 3 लाख रुपये तक के हमारे पास जमा हो गए थे। फिर हमने वो पैसे ले जाके हमारे जनाब अहमद साहब के पास में दिए और हमने बोले कि यहाँ गाड़ी ले ले। तो शहर के जो ज़िम्मेदार हैं हमारे, खायद जिसको बोलेंगे, मिट्टू भाई, मदनी वाले जो मिट्टू भाई हैं ना,
उन्होंने अहमद भाई ने उनसे रास्ता करे, उनसे रास्ता करने के बाद में उनसे मशवरा हुआ, उन्होंने बोले भाई इतना अच्छा शहर के लिए काम हो रहा पूरा, और ये ख़ास कोई लोग इसको सोचते नहीं ना समझते इसके बारे में कि ये कई के लिए ज़रूरी है। जो अंदर रहता है, जो जिसको मालूम है ये चीज़ें, वही समझ सकते। तो अहमद भाई ने उनको समझाए पूरा, समझाने के बाद में उन्होंने बोले ठीक है आपके पास में जो है जमा वो दो, और जो भी खर्चा लगेगा ऊपर का, उन्होंने बोले हम उनके तरफ से कर देंगे बोल के। तो हमारे पास 2-3 लाख रुपए थे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में ये गाड़ी को पूरे बनाने की कीमत लगी 7-8 लाख रुपए। इसके अंदर में सिस्टम ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने, सब वो मिट्टू भाई के दिमाग से और हमारे आरिफ भाई और लयक भाई की जो मेहनत थी उसके अंदर में। 90 दिन लगे पूरे गाड़ी बनाने के लिए, इस गाड़ी बनाने के लिए 90 दिन लगे। इसमें हर स्केयर पार्ट जो है तो नया डाले उन्होंने कि भाई ज़िंदगी है, मौत का क्या भरोसा है, गाड़ी को कौन देखना है, किसने देखना है। इसके वजह से उन्होंने हर चीज़ को बनाए और सिस्टमेटिकली बनाए। जैसा कि सिस्टमेटिकली कैसा बनाया उन्होंने, शहर के अंदर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे गरीबी एरिया है अपने पास में, जैसा भारत नगर एरिया हो गया, वांगी रोड का एरिया होगा, धार रोड का एरिया होगा, ये छोटे जिसमें गलियाँ छोटे हैं, रास्ते छोटे हैं और गुसल देने के लिए परेशानी होती, उस हिसाब से उन्होंने गुसल का इंतज़ाम ऐसा बनाया उसमें सिस्टमेटिक में सब, हर एक चीज़ को उन्होंने सोच समझ के, हमारे मिट्टू भाई ने सोच समझ के। और वो सर का नाम क्या था? बासित सर ऐसे इंसान हैं जो हर काम के लिए उन्होंने लब्बैक बोले, बहुत वक्त दिए, इतना वक्त दिए और टाइम भी दिए और समझाए भी हमारे लोगों को कि भाई गाड़ी कैसी बनाना है, कैसा करना है, क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बासित सर ने भी जो है वक्त खादराबाद खबरस्तान के लिए वक्त जो दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, पूरी कमेटी भी। और जिन लोगों ने हमारे बोलने पे अपने मरहूमों के लिए इसाले सवाब के लिए जो ताउन किया था, उस ताउन से ही ये गाड़ी जो हुई है, जो जस्तजू हुई थी गाड़ी लेने के लिए, तो अल्लाह ताला उनके मरहूमों को, जिसने भी ताउन किया था उनके मरहूमों को इसाले सवाब के लिए दिया था, अल्लाह ताला उसकी उनके ताउन को कबूल करे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह तो इस तरीके से ये कब्रिस्तान बना पिछले 4 सालों के अंदर में, जिसमें हमारे आरिफ भाई की ज़्यादा मेहनत है इसमें, हमारे अब्दुल रहीम साहब जो है, कितनी भी रात हो कैसा भी हो जहाँ मैयत आना है, पहले जैसा कि हमारे बताया इन्होंने कि पहले जो मैयत आते थे तो वो आते थे बत्ती लेके, है ना, वो बत्ती लेने के वजह से हमारे अब्दुल रहीम साहब ने जो है लाइटों का बंदोबस्त करे, हमारे पटेल जो है गंगाखेड़ के बाबा पटेल, इन्होंने जो है पोल का इंतज़ाम करके दिया हमारे को। और हमारे अहमद भाई ने जो है इसमें 120 से 130 लाइट है एलईडी लाइट, तो उन्होंने सभी ज़िम्मेदार जो परभणी के जो थे ज़िम्मेदार, वो ज़िम्मेदार जो थे हमारे परभणी शहर के, उनसे मुलाकात करके कुछ लाइटों लिए, कुछ सामान लिए, कुछ हर चीज़, ये बोले तो पूरे परभणी शहर के टाउन के ज़रिए से बन रहा है जो भी है। और परभणी कादराबाद कब्रिस्तान का एक जो है हमारा सिस्टम, कब्रिस्तान के अंदर में CCTV कैमरे, कब्रिस्तान के अंदर में है जो है ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए कि आने जाने वाले के, और जिस तरीके से पिछले साल में एक हादसा हुआ, होते होते बच गया था, कहाँ पर, तेलगोंग के अंदर में होते होते हादसा बच गया था, उस हिसाब से हमने CCTV कैमरे लगाए थे कि रात बेरात है और माहौल ऐसा ख़राब, ऊंच नीच होते रहता, उस हिसाब से CCTV कैमरे लगाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खादराबाद कब्रिस्तान का कब्रिस्तान ऐसा हो गया आज कि माशाल्लाह उसको देखने काबिल होगा, और ये सब नौजवानों की मेहनत का नतीजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो जो अपने
जिस तरह से आपने देखा है कि कब्रिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है तो काम हुए हैं, गट्ठू का काम हुआ है, उसके अलावा एलईडी लाइट का काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाजा गाड़ी का जो है तो यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो खदान है, ये खदान को तकरीबन हम सालों से देख रहे हैं और मेरा खुद मकान यहीं पर ही बाजू में, तो मुझे मालूम है कि इस खदान के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये आप पीछे इधर ये देख सकते हैं, ये यहाँ से जब इस कब्रिस्तान का काम नहीं हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ से एक नाली हुआ करती थी और उस नाली के ज़रिए से पूरा कब्रिस्तान का आउटलेट जो पानी होता था वो पानी आके इस खदान में जो है तो आया करता था। और इसमें पानी जब जमा होता था तो पानी जमा होने की वजह से जो ये आप ये मकानात पीछे देख रहे हैं, इन मकानात के अंदर उसका जो है तो पानी अंदर घुस जाता था और घुसता था, यानी कि झिर्रे फूट जाते थे, घरों में झिर्रे फूट जाते थे। तो यहाँ के कॉरपोरेटर और ज़िम्मेदारों ने मिलकर जो है तो इस खदान को जो तो बहुत ज़्यादा यानी कि छोटी थी उसको जो है तो एकदम गहराई में लेकर जाके पानी को अंदर जज्ब करने का जो है तो यहाँ पे काम किया है। और पीछे देख सकते हैं आप, ये तार फेंसिंग भी की जा रही है। क्यों तो यहाँ पर आने वाले लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, गफलत में अगर कोई यहाँ पर आ गया, अंदर गिर गया तो एक हादसा हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है तो ये तार फेंसिंग की जा रही है। तो उसी पे बात करने के लिए किस तरह से ये तार फेंसिंग हो रही है, कौन इसमें ताउन कर रहा है, तो ज़िम्मेदार हमारे साथ में है, वो बताएँगे पूरा तफसीली। पॉस्कर, अरे भाई जिस तरह से ये तार फेंसिंग का काम हो रहा है तो किस तरह से इसके अंदर ताउन हो रहा है और कैसा आप ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये जो तार फिनिशिंग का काम हो रहा है, ये इंगला वगैरह ये सब जो है तो बाबा पटेल, जो गंगाखेड़ के हमारे बाबा पटेल है गंगाखेड़ के, तो उनके ज़रिए से हो रहा है ये पूरा इंगल वगैरह सब जो है तो उन्होंने जो है तो हमको मुआयना करके दिए, पूरा जमा करके उन्होंने दिए। अच्छा। कि भाई ये जो है तो छोटे बच्चे अंदर आते, उन्होंने पूरा आके देखे यहाँ पर और बोले भाई बच्चे इतने जो है तो अंदर कोई गिर गया कुछ मसला हो जाएगा, इतना अच्छा काम हुआ और उसके वजह से जो है तो ये यहाँ तक करे हुआ है। अभी यहाँ से जो है तो काम अभी रुके हुआ है, आगे जो है भी। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि जैसा कि इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और ये तकरीबन लोगों के ताउन से ही हो रहा है। हाँ। और यहाँ पर ताउन करना भी चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि हमारे बाप दादा, हमारे जो पूर्वज थे यहाँ पर दफन है, ज़िंदा आदमी तो अपने घर में रहकर खा सकता है, पी सकता है, अपनी जो तो मसले मसाइल बोल सकता है, लेकिन जो मरूम होते हैं वो अपने अपने खबरों में बेचारे आराम फरमा है। तो यहाँ पर जब हम देखा है इसके पहले का जो कोविड के पहले का जो हाल था तो वहाँ पर जानवर भी आए करते थे अंदर, हमने देखा है बकरियाँ आते थे, बुरे बुरे जानवर आते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बंद हुई है। तो अब परभनी की जो हमारे मुस्लिम भाई है उनसे आप ताउन के बारे में भी क्या बोलना चाहेंगे कि आपको बहुत बड़ा काम दिख रहा है यहाँ पर? नहीं तो माशाल्लाह परभनी के लोग अभी तक जितने भी परभनी के लोग हैं अभी तक जो है तो ताउन करते आ रहे और उनके ताउन से ही इतना काम हुआ। बोले तो परभनी के जितने भी आउट ऑफ के जितने भी लोग हैं वो बेचारे 10, 20, 100, 500 जितने भी देते वो उनके ताउन से जितना काम जो है तो अपने को दिख रहा है। जो और जो है अभी जो थोड़े बहुत जो काम बाकी है अब ये लोगों जो है तो टाउन करेंगे तो और आगे काम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो अभी आपकी तार फेंसिंग और दिख रही है, इधर से भी बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। जैसा समझो हमने सोचा है कि भाई ऐसा अपने को कब्रिस्तान तैयार करना है, अब उसके बाद से तो इनको टाउन करना पड़ेगा, जैसा जैसा टाउन आएगा वैसा वैसा काम आगे बढ़ेगा। हाँ, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फोकस है, हेलोजन है, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे है, लाइट है, तो उसका जो है तो सिस्टम भी बहुत अच्छा किया गया है कि कहीं पर जो है तो ऐसा आपको वायर कहीं खुला नहीं दिखेगा, पूरा अंडरग्राउंड किया गया है। और उसके जो तो अंडरग्राउंड किया गया है और उसके जो इलेक्ट्रिशियन है हमारे साथ में है जो अब्दुल रहीम भाई है, और ये सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर भी है और स्विच सब जो है तो अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग जगह के लाइट के अलग, कैमरे के अलग, चार स्विच ऐसे जो है तो पूरे कब्रिस्तान में जो है तो लगाए गए हैं और अलग अलग जगह पे जो है तो लाइट के लिए बटने भी यहाँ पे लगाई गई है। और किसी तरह से भी जो है तो बारिश हो या बहुत ज़्यादा बारिश आने के बाद भी जो है तो करंट का कोई मसला नहीं होता है, पूरी अंडरग्राउंड जो है तो वायरिंग की गई है। मीटर भी बताओ के लिए, इस्तेमाल पानी पीने के लिए वो मीटर का स्पेशल मीटर है ना। और आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान निकाल दिया वजू करके,
और बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में अपने मरहूमिन के लिए हिसाले सवाब करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये पारा पीठी यानी कि जो कुरान शरीफ का जो पारा होता है वो भी सारे चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे तस्बीह है और कुरान पाक भी है, पारे है, यासीन शरीफ है, ये सारी चीज़ें, टोपी वगैरह सब जो है तो यहाँ पर रखी गई है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये सारे जो लाइट चल रहे हैं, फोकस चल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो है तो कब्रिस्तान के लिए जो है तो स्पेशल मीटर लिया गया है। और इस मीटर का जो है तो बिल भी जो है तो यहाँ पे जो ताउन किया जाता है तो उसके ताउन में से ही इसका जो है तो लाइट बिल भी भरा जाता है। रहीम भाई ज़रा बताइए, मीटर है पूरा वजू खाने का, यहाँ से कंट्रोल होता पूरे लाइट का, ये पूरे लाइट का कंट्रोल यहाँ से होता है। और ये मीटर है यहाँ पे, और वो साइड में एक मीटर है, उधर एक साइड में मीटर है, ये टोटल इसका लाइट बिल टाउन के पैसों से ही भरा जाता है। और ये हमारी गाड़ी है वो माशाल्लाह गाड़ी आ चुकी है। और ये जो स्टैंड है, समझो बारिश में खबर, समझो मकान तैयार करते हैं खबर खोदने के लिए, हाँ खबर खोदने के लिए बारिश में इसको पूरा स्टैंड खड़े कर दिया जाता है। और उसका कपड़ा वो है समझो, यानी कि बारिश में खबर खोदने के लिए दिक्कत ना हो, उसमें पानी जमा ना हो। हाँ, खबर खोदने के लिए दिक्कत नहीं होती करके इसलिए स्टैंड तैयार कराला है। ये हमारे दो स्टैंड है, कहीं भी समझो आखुन शामिया में भी ले आ सकते हैं, राजनगर में भी ले आ सकते हैं, और कौन से भी कब्रिस्तान में ले आ सकते हैं। इसका स्टैंड है और इसके ऊपर कपड़ा भी है, पूरा लाइटों का पूरा सिस्टमेटिक है यहाँ पर, जहाँ का वहाँ स्विच डाले वाला है। पंखे भी है, मैयत यहाँ मैयत नमाज जनाजा होती है तो उसके लिए पंखे का भी इंतज़ाम किया गया है। टोटल 4 पंखे लगाए वाले हैं। सराहना करना पड़ेगा कब्रिस्तान खादराबाद की कमेटी की कि हर एक छोटी से छोटी जो है तो चीज़ों पे बारगई से जो तो नज़र रखते हैं। और ख़ास बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में मोबाइल यानी कि आप ये देख सकते हैं ये फेसबुक है, ये नो, उसके बाद में जो तो व्हाट्सअप फ़ोन कॉल जो है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद फ़ोन जो है तो बंद रखने के लिए भी यहाँ पे स्टिकर लगाए गए हैं। और यहाँ पे लेडीज़ जो है तो अंदर आना मना किया गया है। उसके बाद सिगरेट बीड़ी पीना भी जो है तो ये मना किया गया है। इतनी छोटी छोटी बातों को जो है तो यहाँ पे ख्याल रख के जो है तो ये काम किया जा रहा है। ये है पार्किंग, ये पार्किंग भी इतनी अच्छी बनाई गई है, तकरीबन यहाँ पे 100-200 गाड़ियाँ जो है तो लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं उसके लिए शेड भी मारा गया था, अगर समझ जाओ धूप का टाइम है उस टाइम पे इतना तक ख्याल रखा गया था कि आपके गाड़ियों को भी धूप ना लगे, उसके ऊपर जो है तो ग्रीन मैट जो है तो लगाई जाती है। ये पार्किंग है, मगर अभी मसला यहाँ पर दिक्कत ये पेश आ रही है कि जुमा के दिन यहाँ पर कब्रिस्तान में हिसाले सवाब करने के लिए अपने मरहूमिन को हिसाले सवाब करने के लिए जो है तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसकी वजह से ये जो पार्किंग है ये बस नहीं हो रही है। इस पार्किंग के अंदर जो है तो जगह बहुत कम पड़ रही है। और दूसरी बात ऐसी है, जुमा होता है उसके बाद में शब्बे महराज होती है, शब्बे खदर होती है, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती है। और कब्रिस्तान के बाहर पहले एक आरा मशीन थी जो खुली पड़ी हुई थी, मैदान था, तो वहाँ पर लोग जो है तो गाड़ियाँ लगाया करते थे, लेकिन आज जो है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो उसकी वजह से वो पार्किंग की जगह जो है तो कब्रिस्तान को यूज़ करने में नहीं आ रही है। और ये पार्किंग भी बस नहीं हो रही है, उसकी वजह से ज़िम्मेदारान का कहना ऐसा है कि यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये रोड भी यहाँ से बन रहा है, और बाजू में जो मैदान है वहाँ पर जो है तो दूसरी पार्किंग जो है तो बनाई जा रही है। तो तफसीली मालूमात लेते हैं ज़िम्मेदारों से। और यहाँ पर जो है तो ये रोड बनने जा रहा है, यहाँ पर भी रोड बनने वाला है, शायद गट्ठू का बने या सीसी रोड बने, यहाँ से जो है तो मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए जो है तो जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और वहाँ पर जो है तो ये पार्किंग बनाने का जो है तो ज़िम्मेदार ने ऐसा जो है तो मशवरा किया है कि तो वो पार्किंग बस नहीं हो रही है। और जुमा को, बड़ी रात को, शब्बे महराज, शब्बे खद्र को, और उसके अलावा जब ईद होती है उस टाइम पे गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पर गाड़ियां लगाने की दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात, मैयत जब आती है तो मैयत के साथ में भी बहुत सारे लोग अब जो है तो गाड़ियों पे ही आने का फैशन बन चुका है, उस लिए जो है तो गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर गाड़ियां लगाने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी पार्किंग का जो है तो इंतज़ाम करने का कमेटी ने ऐसा सोचा है। मैदान है यहाँ पर जो है तो पार्किंग, दूसरी पार्किंग बनाने का जो है तो ज़िम्मेदार हमने सोचा है, बहुत तकरीबन अच्छी बड़ी जगह है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस जगह पे खबर नहीं खोदी जाती है, तो यहाँ पर मुरूम है और बहुत कड़क ज़मीन होने की वजह से नहीं खोदी जाती है, और बाजू में ही ये खदान होने की वजह से पानी भी यहाँ पर लगता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में ज़िम्मेदार रफीक शाह है, उनसे तफसीली मालूमात जानते हैं।
तो ये अभी जो दूसरी पार्किंग आप बनाने जा रहे हैं तो उसका क्या है, किस तरह से पार्किंग का रीज़न ये है कि पार्किंग बनाना क्यों चाह रहे हैं हम। पार्किंग इसलिए बनाना चाह रहे हैं हम कि पहले जो पार्किंग मिलती थी अपने को, जैसा कि बाहर आरा मशीन थी, खुला ओपन स्पेस था, वहाँ पे कुछ पार्किंग हो जाती थी और उसके बाद में जो है इधर के साइड में भी एक खुला स्पेस था, वहाँ पे भी पार्किंग हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया कि वो पैक हो गए, जिसे घर बनाना है वो घर बना दिए उन्होंने, कंपाउंड वाले ले लिए, सब बाहर का है तो पैक कर दिए। अब जो इसाले सवाब के लिए जो लोग आ रहे, जुमा को हो या मैयत के साथ में हो या फिर कोई ईद, या जैसा कि इस्माइल भाई ने बताया अभी हमारे ईद के टाइम पे और बड़ी रात के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, तो इस जगह को इसलिए चुना गया इसमें कि यहाँ पे नहीं होता है खबर, यानी कि यहाँ पे जीसीबी कोरोना के टाइम पे हमने यहाँ खोद कर देखे तो यहाँ पे पोकलैंड लाने के बाद में उसके सामने के दांत टूट गए थे, मजबूत ज़मीन है, बहुत मजबूत ज़मीन है और उसके दांत टूट गए थे। तो कोरोना के टाइम पे यहाँ पे खबर खोदी नहीं गई, जीसीबी से खबर नहीं खोदी गई तो हाथ से क्या खोदी जाएंगे। तो इसके लिए वहाँ की पार्किंग जो है ये बीच में से खबर खोदने के लिए यूज़ में जगह नहीं है, उसके लिए आप पार्किंग के लिए इस्तेमाल, हाँ पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आगे जैसी जैसी नरम होंगी जगह वैसे वैसे इसको कम करते जाएंगे, साइज़ में छोटा 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 करते हुए पार्किंग को जाएंगे। नहीं, पार्किंग भी एक ज़रूरी चीज़ है ना आने वाले लोगों, आज के हिसाब में तो ज़रूरी हो गई, हर घर के अंदर में हर इंसान के पास में बाइक हो गई, हर इंसान के पास में बाइक है, चाहे छोटा बच्चा हो या उम्र दराज में हो, वो क्या कर रहा सीधा कोई मैयत भी हो गई तो गाड़ी पर आ जा रहा, पार्किंग को लगा जा रहा। तो वहाँ पे क्या हो रहा, जब मैयत आ रही तो गाड़ियाँ पूरे गेट के आसपास में रह रहे और वो मैयत को आने के लिए तकलीफ हो रही, उस वास्ते कमेटी ने यह सोचा कि भाई इधर से एक रास्ता निकाल के फ्यूचर में इधर से रास्ता निकाल के यहाँ पार्किंग का इंतज़ाम करेंगे या पार्किंग के लिए शेड वगैरह बनेंगे, जो भी कहीं से फ़ंड ला कर देते हैं शहर के जो भी जिम्मेदार हैं तो उन्होंने कोशिश करना चाहिए कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा मसला है। नहीं नहीं, ये पार्किंग के लिए जो अभी खर्च आने वाला है तो अब तमाम परभनी के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? परभनी के लोगों से तो ताउन की गुजारिश करें, और हमने अभी तक भी जो खादराबाद कब्रस्तान का जो काम करे चार सालों में, हम कब्रस्तान के बाहर नहीं गए, कब्रस्तान के बाहर नहीं गए, ना कोई कब्रस्तान को इनकम है, जैसा कि क्या बोलेंगे तुम्हारे औखा बोर्ड से भी नहीं है। अच्छा। ना कोई कॉम्प्लेक्स है कब्रस्तान के लिए, कुछ इनकम नहीं है बाहर, कुछ इनकम नहीं है। आज 400 साल पहले का जो कब्रस्तान है ये कदीम कब्रस्तान है, शहर का सबसे बड़ा और कदीम कब्रस्तान है, तो लोग नज़रअंदाज करते थे। अल्लाह ताला ने जो हमारे लोगों से जो हमारे लोगों को इसमें काम लेने का काम करने का मौका दिया अल्लाह ताला ने, बहुत बड़ी बात है। और शहर के ज़िम्मेदारों से बस हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग हैं अपने मरहूमों के नाम से उनके इसाले सवाब के लिए, आज हम हैं आज 25 साल लेंगे तो 400 साल पहले का कब्रस्तान है, आज 10 साल 20 साल और अपनी उम्र की रहेंगे अभी और 40 साल लेते रहेंगे, 40 साल तक देखभाल करेंगे, सारी चीज़ें छोड़ के जाना है, सब हर चीज़ छोड़ के जाना है। इसलिए जो यहीं आना है, ये आखिरी सफ़र है अपना, आखिरी घर है ये, यहीं पर आके अपने को यहीं सोना है, यहीं आराम करना है, तो बुनियादी घर है ये, 400 साल 450 साल पहले का घर है। तो आवाम से भी गुजारिश करते कि भाई इनके लिए ताउन करते जाओ आप लोग, जैसे भी आए अपने मरहूमों के इसाले सवाब। ताउन के लिए जो है तो नंबर एक गेट भी है हमारे पास में, नंबर एक दो जो गेट है वो जिंतू रोड से आता है, वहाँ पर भी इसका वजू खाने का इंतज़ाम है, गुसल खाने का इंतज़ाम है, एक नंबर गेट पर भी जो है तो वजू खाने का इंतज़ाम है। तो यहाँ पर जो है तो एक ताउन के लिए पेटी भी रखी हुई है, और ऐसा कोई नहीं है शहर के अंदर में, पूरे परभनी शहर का तो छोड़ो कहीं पे और भी, कि हमारे कब्रस्तान की कहीं पावती जाती है और किसी से अगर कुछ ऐसा आता है आप लोगों के पास में भी तो हमको इत्तला करते जाओ उसमें, क्योंकि हमारे जो है कमेटी के अलावा कब्रस्तान से बाहर नहीं जाते हम लोग, जो भी ताउन जमा होता नहीं आते उनके जरिए से छोड़ता, कब्रस्तान में जो जाहिर आते इनके जरिए से छोड़ता ताउन। तो इंशाल्लाह अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर जाने की, ना पड़ेंगी, अपनी आवाम जो है शहर की वो समझदार है, दो पेठे लगे हुए हैं एक नंबर पे दो नंबर पे ताउन के लिए, तो आपसे गुजारिश है कि ताउन करते जाए भाई, और यहाँ का नहीं अर कब्रस्तान के लिए, जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं जो आपका चैनल देख रहे हैं जिसने भी लोग जो चैनल देखेंगे आपका उनसे गुजारिश है कि आपके गाँव में आपके शहर में
आपके पड़ोस में, आपके गली में, जहाँ कहीं भी कब्रिस्तान है उनकी देखभाल करो, उसको डेवलप करो, उनको साफ़ सफाई रखो। जिंदेपन को तो कोई भी कर लेता, लेकिन आखिरी घर को जो देखता है अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत कर देगा, है ना। तो भाई कहीं भी आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आपका चैनल जहाँ भी कोई भी हर कोई देख रहा है, उनसे गुजारिश है कि अपने कब्रिस्तानों को सुधारो, साफ़ सफाई रखो, उसके अंदर में झाड़ वगैरह अच्छे से लगाओ, पानी का इंतज़ाम करो, वज़ू का इंतज़ाम करो, और मैयत के लिए जो भी सहूलतें होती उसकी कोशिश करो। कोशिश करने से ही होता है, हम चार लोग कोशिश करने से हो रहा है, तो आवाम है आप तो, है ना। चलो शुक्रिया। एक दो महीने में काम चालू होने वाला है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब ने परवनी कादराबाद कब्रिस्तान की डिटेल जो है सारे ज़िम्मेदारों से आपने डिटेल ली है, और यहाँ दो नंबर गेट पर भी जो है वज़ू खाने का इंतज़ाम, गुसल खाने का इंतज़ाम यहाँ पर भी किया गया है, तो हम जाकर जो है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तब भी हम जब भी ऐसे वीडियो बनाएं तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो चलिए चलते हैं दो नंबर गेट के पास। हर मोमिन का सफ़र जो है कब्रिस्तान में आने के बाद जो है उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे शहर के, हमारे गांव के कब्रिस्तानों को जो है हम साफ़ सुथरा रखें, और वहां पे जो है इंतज़ाम जो है अच्छे से अच्छे जो इंतज़ाम वहां पर मुहैया कराए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि परवनी कब्रिस्तान में जो है किस तरह से अच्छा काम यहाँ पर किया जाता है माशाल्लाह। है खबर कादराबाद कब्रिस्तान के दो नंबर गेट पर, अब देख सकते हैं ये गेट दो नंबर गेट है, ये जो है बसमत रोड का, ये जिंतूर रोड का जो है ये रोड है, ये जिंतूर रोड, और ये हम आ चुके दो नंबर गेट के पास। यहाँ पर भी जो है वजू खाना, गुसल खाना यहाँ पर ही बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर झाड़ लगाए गए हैं। ये आ चुके हम, यहाँ पर भी उसी तरह से इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये कोविड के वक्त जो है यहाँ पर ये बनाया गया है, सभी देख सकते हैं, ये जनाजे नमाज पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर है। ये पानी की टाकी, ये वज़ू खाना, हर चीज़ यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी, पंखे वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर। लोग जो है यहाँ पर जब इसाले सवाब के लिए आते हैं तो अपने मरहूम के कब्र पर जो है पानी वगैरह जो है ले जाकर यहाँ पर डालते हैं, तो उसका भी यहाँ पर जो है इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक गोदाम है, ये यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। ये गुसल खाना है, ये गुसल देने के लिए अभी नया टेबल बनाने वाला है, ये टेबल भी जो है गुसल देने के लिए बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी टेबल बनाया गया है जो दवाखाने में बाहर गांव के जो आते हैं हजरात उनके यहाँ कोई नहीं रहता करके कब्रिस्तान में गुसल के लिए यहाँ पर लाते, उनका इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर एक पानी गर्म करने के वास्ते हीटर का भी इंतज़ाम किया गया है, ये हीटर का बोर्ड है, और पूरा तफ़ीन इन सब यहाँ ही कर सकते हैं। और ये दवा मारने के लिए हमारी जो साफ़ सफाई रहती ना उसके लिए झाड़ों को दवा मारते वो जल जाने के लिए, ये पूरा इंतज़ाम अभी काम चालू है हमारा। अभी पंखे वो लगाए, अभी थोड़ा काम बाकी है, अभी नया टेबल तैयार करे, जैसा कि वो पाटला लेकर आते जनाजे के लिए अपने नमाज के लिए वो टेबल नहलाने के लिए, तो हमने उसको लिए तैयारी करके रख दिया वाला है। और ये अभी अभी नया बनाया वाला है, अभी इंशाल्लाह अभी तैयार हो जाएगा वो, अभी लाइटा विटा अभी लगाना अभी चालू है अंदर।
तो नाज़रीन, अगर जिस किसी को भी जनाजा गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो हमने जो है जनाजा गाड़ी के मेंबरों के नंबर जो है गाड़ी पे लिखे हुए हैं वो हमने वीडियो के अंदर आपको दिखाए हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।